नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों सामने बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया कि ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखो, तो यहाँ भी देखिए एक अपॉर्चुनिटी सामने मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये हमारा कैंडल है 15 जून का। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। अब अगर आप देखेंगे इसके बीच में ही बाजार मूवमेंट ले रहा है, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी मूवमेंट ले रहा है। तो हो सकता है आने वाली ये जो एक्सपायरी है हमारी 29th की एक्सपायरी जो है, इस एक्सपायरी में भी बाजार इसके बीच में ही रह जाए, बैंक निफ्टी से इसके बीच में ही रह जाए। तो यही व्यू लेके हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाई, एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखी यहाँ पर। तो एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है ये व्यू लेके कि भाई हो सकता है आने वाले कुछ दिन में बाजार इसके बीच में रहे, तो उसका ही हमने फायदा लेने की कोशिश करी है। तो स्ट्रेटजी क्या बनाई है, अब आप सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये और ये अपसाइड का मेरा व्यू है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा और नीचे मैं 43,438 इसके नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी ये वीकली एक्सपायरी में, 29th की एक्सपायरी में। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इसके अलावा और कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ओके, तो स्ट्रेटजी क्या बनाई हमने, देखिए ये स्ट्रेटजी सामने आपके दिख रही है। ये आपको स्ट्रेटजी ट्विटर पे भी हमने डाली है, ट्विटर पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटजी, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको स्ट्रेटजी देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ हमने क्या करा है, 43,700 का कॉल सेल, 43,700 का पुट सेल, सही है, 43,700 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया, 43,200 का पुट बाय और 44,200 का कॉल बाय। मतलब डाउन साइड में हम कितना चले गए, 500 पॉइंट नीचे चले गए, 500 पॉइंट ऊपर चले गए। देखिए 43,700 का कॉल पुट हमने सेल कर दिया और ऊपर में हम आ गए 44,200 का कॉल, ये हमने बाय कर लिया, और डाउन साइड में 43,200 का पुट ये हमने बाय कर लिया। सही है, ये सिंपल सी हमने स्ट्रेटजी बनाई, इसे बोलते हैं आयरन फ्लाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं रिस्क काफ़ी कम है इसमें, सामने आपको दिख रहा है ये हमारा रिस्क है, ये हमारा मैक्सिमम रिवार्ड है। लेकिन आपको पता ही है कि मैक्सिमम के बारे में हम नहीं सोच रहे, हमारे को कितना चाहिए, 4-5% बस, 4-5% भी हमें इस स्ट्रेटजी में मिल जाएगा तो हमारे लिए सफिशियंट है। ओके, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हमारे ब्रेक इवंस है, ये हमारे ब्रेक इवंस है। अब इसके इधर अगर बैंक निफ्टी जाएगा, ये ब्रेक इवन के इधर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे होगा, इस साइड के पुट सेल करके हम एडजस्टमेंट कर सकते, सही है, इस साइड के पुट सेल करके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और भी तरीके हैं एडजस्टमेंट, लेकिन एक सिंपल एडजस्टमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाला इधर का ब्रेक इवन को हम सेल करके यहाँ के रिस्क, ये जो रिस्क है हमारा इतना बड़ा, इस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये जो रिस्क है इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इधर का पुट सेल। फिर अगर और ऊपर जाता है तो हम इस पुट को ऊपर की तरफ ले सकते हैं, फिर और ऊपर में ले, तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क जो है वो और कम हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हम और ऊपर आ जाएंगे, यहाँ फिर कम हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हम और ऊपर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो हमारा ये जो रिस्क है ये जीरो भी हो सकता है, सही है, ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन उस समय प्रीमियम हम देखेंगे, क्या प्रीमियम है, क्या रिस्क हमारा बैठ रहा है ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें यही नज़र आता है कि बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में रहेगा, इसके बीच में रहेगा तो हमारे को प्रॉफिट बन जाएगा। हमारा जो टारगेट है 4-5% का इस ट्रेड में है, देखेंगे क्या होता है इस ट्रेड में, आज ये स्ट्रेटजी हमने बनाई है। ओके, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारी स्ट्रेटजीज कुछ चल रही है, सामने देखिए रिस्क रिवार्ड आपको सामने दिख रहा होगा, ये रिस्क है, मैक्सिमम स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट में दिख रही होंगी, मैक्सिमम स्ट्रेटजी प्रॉफिट में क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने ट्रेड ही उस तरह से इम्प्लीमेंट करा है कि हमारे को प्रॉफिट बने, सही है, और अगर कोई ट्रेड गलत जाता है तो हम एडजस्टमेंट करके भी वहां पर अपने ट्रेड को प्रॉफिट में लेके आ जाते हैं। अब ये देखिए ये दिसंबर का एक ट्रेड है जहां हमें आपको सामने नुकसान देखने के लिए मिल रहा होगा 13,550 का, लेकिन ये दिसंबर का ट्रेड है तो हमारे पास बहुत टाइम है इस ट्रेड के लिए, सही है। इसके अलावा और भी ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे, ये इन्फोसिस का ट्रेड है जहां पर थोड़ा सा नुकसान है, बाकी आपको लॉस वाले जो ट्रेड है, एक ये है बैंक निफ्टी का, एक ये है एक्सिस बैंक का ट्रेड है जहाँ नुकसान हो रहा है, और एक ये ट्रेड है एक्सिस बैंक का जहाँ नुकसान दे, सही है, बाकी मोस्टली ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये ट्रेड को भी हम प्रॉफिट में लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड एक्सिस बैंक का है ये हमारा जुलाई एक्सपायरी के लिए ट्रेड है, सही है, ये जो ट्रेड्स हैं एक्सिस बैंक के दोनों, ये जुलाई एक्सपायरी के, तो इन दोनों को भी हम बाद में प्रॉफिट में लेके आ जाएंगे। ओके, तो मेरा ये कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है कहीं पर, चार्ट में कुछ नजर आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने की कोशिश करनी चाहिए।
ओके, धन्यवाद।